नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। लॉकडाउन 4 शुरू होते ही हरियाणा सरकार के गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार कुछ हिदायतों की घोषणा कर दी है, जिसके बारे में सोमवार को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि अब नई हिदायतों के अनुसार केवल कंटेनमेंट जोन में ही प्रतिबंध जारी रहेंगे और कई क्षेत्र ऐसे भी हैं जिनको ऑरेंज जोन मान करके सामान्य गतिविधियाँ चलाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश के अंदर अन्य कई प्रदेशों के लिए बस सेवाएँ भी मंगलवार को शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि 5-स्टार मोटर वाले 1000 ट्यूबवेल कनेक्शन अभी तक लगाए जा चुके हैं। इसके अलावा शेष 4000 कनेक्शन 30 जून तक भी लग जाएंगे। साथ ही मुख्यमंत्री ने बताया कि बिजली संबंधी किसी भी प्रकार की त्रुटि है उसे हेल्पलाइन नंबर 1912 पर ठीक करवाया जा सकता है। इसके अलावा जिन 6000 कैदियों को पैरोल दी गई थी उनकी पैरोल अवधि अगले 6 सप्ताह के लिए बढ़ा दी गई है। आप देख रहे हैं पल पल चंडीगढ़ से ये विशेष रिपोर्ट। जैसा हमको ज्ञात है कि लॉकडाउन 4 कोरोना के इस महामारी के चलते आज से प्रारंभ हुआ है और हम लोगों ने ये निर्णय किया है MHA की गाइडलाइंस के अनुसार जो लॉकडाउन 3 की जितनी छूट थी उसमें कुछ क्षेत्रों के अंदर ये छूट और बढ़ाई गई है। विशेष तौर पर अब कंटेनमेंट जोन वहीं तक प्रतिबंध जारी रहेंगे, जो कंटेनमेंट जोन से अतिरिक्त क्षेत्र है उस सारे को ऑरेंज जोन मान करके और गतिविधियां वो सब चलाई जाएंगी। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट विशेष तौर पर चाहे वो प्रदेश के अंदर की बस व्यवस्था अथवा प्रदेश से बाहर दूसरे प्रदेशों के साथ जो हमारे रूट्स हैं उनके ऊपर कल से बसें ये शुरू हो जाएंगी। आज हमने पावर डिपार्टमेंट को लेकर के भी एक रिव्यू मीटिंग की है और उसमें आगे चूँकि गर्मियों के दिन आने वाले हैं तो गर्मियों के दिनों में पावर की बिजली की उपलब्धता ये पूरी रहे इस पर पूरा विचार हुआ है। इसी संदर्भ में जो ट्यूबवेल कनेक्शन जारी करने का काम ये हमने शुरू कर दिया है। लगभग 1000 ट्यूबवेल कनेक्शन जो 5-स्टार मोटर्स के लगने थे वो लगाए जा चुके हैं और आने वाले जून 30 तारीख तक शेष 4000 ट्यूबवेल वो भी लगाए जाएंगे। इसके बाद नए 5-स्टार की जो मोटर्स हैं वो उपलब्ध होने पर ही इसके बाद ट्यूबवेल्स ये सब लगाए जाएंगे। जहाँ तक कुछ शिकायतें हमको बिजली के बिलों की ये मिली हैं, घरेलू बिजली के बिल डिपार्टमेंट्स ने एवरेज बेसिस पर कुछ स्थानों पर जो कुछ त्रुटियाँ मिली हैं उसको भी विभाग को ध्यान करा दिया गया है कि ऐसी त्रुटियों को जल्दी से ठीक किया जाएगा। हेल्पलाइन नंबर 1912 अर्थात 1912 ये एक हेल्पलाइन नंबर है, इसके ऊपर फ़ोन करके और वो त्रुटियां ठीक कराई जा सकती हैं। यदि किसी ने गलती से अपना बढ़ा हुआ बिल भर दिया है तो अगले बिलों में उनकी एडजस्टमेंट हो जाएगी, इसकी चिंता वो लोग न करें। जहां तक जेल विभाग का विषय है, हमारे जो जेल विभाग के अंतर्गत सारी जो व्यवस्थाएँ ठीक चल रही हैं, 18000 कैदियों में से अभी पिछले दिनों में 6000 कैदियों को और पैरोल दी गई थी, उस 6000 कैदियों को पैरोल का समय 6 सप्ताह के बाद अगला 6 सप्ताह ये भी बढ़ा दिया गया है कोरोना को देखते हुए। इसलिए सब लोग 12 सप्ताह के पैरोल के समय को पूरा होने के बाद ही वापस जेलों में आएंगे। प्रसन्नता की बात है कि सभी जेलें कोरोना के समय में सुरक्षित हैं, कोई भी ऐसा जेल के अंदर कोई कोरोना का पॉजिटिव ऐसा अभी तक कोई शख्स पाया नहीं गया है, सभी व्यवस्थाएं ठीक से चल रही हैं